उधर रामविलास की गिरफ्तारी पर विपक्ष के नेताओं के बयान भी अब सामने आ रहे हैं। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने कहा है कि रामविलास की गिरफ्तारी होना कोई हैरानी की बात नहीं है। 2017 में जब सरकार बनी थी तब राज्य सरकार ने कहा था कि लोकायुक्त की नियुक्ति होगी, लेकिन अभी तक नियुक्ति नहीं हुई है, जिससे पता चलता है कि भ्रष्टाचार पर सरकार अपने आप को असहाय महसूस कर रही है और इसीलिए लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं हो रही। उत्तराखंड में आईएएस अधिकारी रामविलास यादव को आय से अधिक संपत्ति के मामले में विजिलेंस ने गिरफ्तार कर लिया है। कुछ देर में उनकी कोर्ट में पेशी होगी। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह जी। सर, गिरफ्तारी हो गई है, सरकार कह रही है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी सख्त नीति लागू रहेगी। देखिए, सरकार का ये कहना कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनका जीरो टॉलरेंस है, तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि 2017 के विधानसभा चुनाव में सत्ता में बैठे हुए लोगों ने उत्तराखंड के लोगों से वादा किया था कि यदि हमारी सरकार बनेगी तो हम लोकायुक्त लाने का काम करेंगे। आज 5 साल से ऊपर का कार्यकाल हो गया है, लेकिन लोकायुक्त का कहीं अता पता नहीं है। तो इससे स्पष्ट परिलक्षित होता है कि भ्रष्टाचार से लड़ने की इच्छा शक्ति सरकार में नहीं है। जहाँ तक आईएएस रामविलास यादव का प्रकरण है, उसमें एक व्यक्ति द्वारा शिकायत की गई और जब उस शिकायत की जांच हुई तो उस शिकायत में जो कहा गया था वो तथ्य सही पाए गए और इसीलिए उनकी गिरफ्तारी हुई है। सरकार लेकिन लगातार ये कह रही है कि हम तमाम सारे अधिकारियों पर, उनके कामकाज पर निगरानी रख रहे हैं, जो कामकाज में ढीलापन कर रहे हैं उनके खिलाफ चेतावनी भी दे रहे हैं, कार्रवाई भी कर रहे हैं, जो भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर रहे हैं। एक बात बताइए ना, वो लोकायुक्त क्यों नहीं ला रही है सरकार? क्यों डरी हुई लोकायुक्त से? क्योंकि लोकायुक्त के जद में जो है सरकार भी आएगी, इसीलिए डरी हुई है ना। आप अधिकारियों पर दूसरों पर शिकंजा कसने की बात करते हो और जब आप पर लोकायुक्त के माध्यम से शिकंजा कसने की बात होती है तो आप लोकायुक्त को दरकिनार कर देते हो। सरकार की कहीं पर भी कोई इच्छा शक्ति नहीं है कि वो भ्रष्टाचार से लड़ने का काम करे। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह, जिनका कहना है कि जिस तरीके से रामविलास यादव की गिरफ्तारी हुई है, उत्तराखंड में सरकार कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से बचना चाहती है, इसीलिए लोकायुक्त को नहीं बना रही है। कृष्ण धर्मरत्न के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा। वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने भी रामविलास यादव की गिरफ्तारी पर कहा है कि सरकार ने कोई बड़ा कमाल नहीं किया है। क्या कुछ और कहा, खुद सुनिए। देखिए, रामविलास यादव तो उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस हैं और उत्तर प्रदेश से उनकी जांच चल रही थी। उत्तर प्रदेश के वो नौकर हैं, उत्तराखंड का तो उनका कोई लेना देना था नहीं। सारी जांच तो उत्तर प्रदेश के समय से उनकी चल रही थी। यहाँ की सरकार ने कोई नया नहीं किया, कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं कर दिया है। और जहाँ तक गणेश जोशी जी की बात है कि उन्होंने कहा कि हमारे पास कई रामविलास यादव हैं, तो मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, रामविलास यादव हैं कहाँ? विगत 5 वर्षों से 6 वर्षों से उनकी सरकार उत्तराखंड में काम कर रही है। जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, अगर ऐसे कहीं है तो ये कहाँ छिपा के रखे हैं? कृपया उनको भी बाहर निकालिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।